अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक एट 27 क्रिएटर। तो क्या हालचाल, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आईफोन की फ़ोटो एडिटिंग के आओ अपने आईफोन में कैसे अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी आईफोन हो, आईफोन 6 से लेके आईफोन 15 तक, सभी का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। बहुत से भाई लोग मेरे को कमेंट करते हैं हर बार कि यार आईफोन 6 की 7 की यार सभी की जो है ना आप ये सेम जो है ना उसमें सेटिंग कर लेना, वीडियो ऐसी फ़ोटो ऐसी एडिट होगी ठीक है जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है सभी में सेम होता है। तो ये तरीका मैं ये जो है ना डाउट आपके जो है ना माइंड से क्लियर करता जा रहा हूँ कि सभी आईफोन में एक जैसी ही एडिटिंग होती है। तो आपको जस्ट क्या करना है, ऐसे एडिट वाले ऑप्शन में आना है। एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद तुमको जो है ना सबसे पहले आ जाना है फिल्टर्स में। फिल्टर जो आईफोन में सबसे बेस्ट फिल्टर है वो है विविड का, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले विविड फिल्टर लगा लेना है, ठीक है। विविड फिल्टर लगाने के बाद तुम एडिटिंग करोगे तो तुम्हें सही से सारी चीज़ों की समझ आएगी। तो इतना मैं कर लेता हूँ, बट जो है ना इस पिक्चर में थोड़ा ब्लर कम है, तो मैं क्या करूँगा बैक जाता हूँ, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में जाता हूँ, कौन सी मेरी पिक्चर थी, ये वाली पिक्चर थी, इसका मैं थोड़ा सा ब्लर बढ़ा लेता हूँ। इतना ब्लर काफ़ी है, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तो मैंने इसे ब्लर कर लिया है। अगर आपको सीखना है कि आप अपनी फ़ोटो में ब्लर को कैसे बढ़ा सकते हैं लाइक DSLR, ठीक है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से, तो मैं एंड पे वीडियो वो मेंशन कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लेना। तो एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले हमें फ़िल्टर कौन सा सेलेक्ट करना है, विविड का, ठीक है। विविड फ़िल्टर जो है ना सबसे अच्छा फ़िल्टर होता है, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हें आ जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में। एडजस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद तुम्हें जाना है एक्सपोजर में। तो एक्सपोजर को आप थोड़ा सा कम करेंगे ताकि पिक्चर में जो जो कलर है वो थोड़ा सा वाजिया हो जाए। तो उसके बाद आता है ब्रिलियंस, तो ब्रिलियंस को मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, सारे कलर एक्सपोज हो जाएंगे इससे। तो मैंने ब्रिलियंस को बढ़ा लिया अराउंड 86, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे पास आ जाएगा हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स को मैं कम करूँगा ताकि जो जो मेरे बैकग्राउंड में लाइट है स्काई है वो थोड़ा सा जो है ना ब्लू हो जाए, कोशिश करूँगा। तो मैंने 60, ठीक है, मैंने हाइलाइट्स कर दिए। इसके बाद है शेडो, तो शेडोज को जो है ना वर्ड आते ही आपको अंदाज़ा हो गया कि शेडो मीन होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना इस पर जो लाइट पड़े उसे कहते हैं शेडो। तो मैं इसे शेडो को बढ़ाऊँगा, तो मैंने इसे कर दिया 50, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद आता है कंट्रास्ट, तो यार एक विविड फिल्टर और कंट्रास्ट जो है ना दो अहम चीज़ें होती हैं आईफोन की एडिटिंग में, तो ये चीज़ों का आपने पूरा ध्यान रखना है। तो कंट्रास्ट को आप माइनस में लेके जाएं, ठीक है, तो मैंने इसे कर लिया -50, ठीक है, तो -50 इतना काफ़ी है। इसके बाद आता है ब्लैक पॉइंट, तो ब्लैक पॉइंट मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि जो पिक्चर में जो है ना हेयर्स की बीएड की डिटेल का है वो दोबारा वापस आ जाए, इतना काफ़ी है। तो इसके बाद आ जाता है सैचुरेशन और वाइब्रेंसी, तो सैचुरेशन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10-20 के दरमियान रखें और वाइब्रेंसी को आप जो है ना जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ऐसे कर लूँगा 24। तो कलर पिक्चर में बड़े अच्छे आ चुके हैं, बट क्या है कि पिक्चर में जो है ना फेस पे थोड़ी सी येलोनेस ज़्यादा, तो मैं वार्म को माइनस में लेके जाऊँगा, -18, और टिंट को बढ़ाऊँगा ताकि फेस पर रेडनेस आ जाए, ठीक है जी। इतना करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, शार्पनेस एंड डेफिनेशन। अगर आपके आईफोन में शार्पनेस और डेफिनेशन का ऑप्शन है तो आप इसे ज़रूर से बढ़ा लेना, तो मैं इसे ऐसे बढ़ा लूँगा और डेफिनेशन को भी ऐसे बढ़ा लूँगा ताकि पिक्चर के जो है ना पिक्सल अच्छे से ऐड हो जाए, ठीक है। तो आप इसका एक बार बिफोर देखें और आफ्टर देखें, ठीक है। तो आप इन्हीं जो है ना सिंपल स्टेप इन को फॉलो करते हुए अपनी किसी फ़ोटो को जो है ना किसी भी आईफोन में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो सिखाने के चक्कर में मैंने आपको बोला ही नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो यार इंशाल्लाह जो है ना हमने इस मंथ में 10K जो है ना सब्सक्राइबर गेन करने हैं, तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा बट जो है ना मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।